अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खुश होंगे, ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी इसके बारे में, जी लिप बाम के बारे में, जो मैंने खुद से बनाया और घर में बनाया और मैंने आपके लिए भी बनाया। जी बहुत से बहन भाई और बहुत से भाई स्मोकिंग करते हैं और लिप जी उनके ओन जी हमारे जी ब्लैक हो गए हैं। हम क्या करें, किस तरह उनको वापस उसी जगह पर लें, घर वाले शक भी करते हैं। और इसी तरह सदियाँ आते ही मेरा भी हाल यही हो जाता है कि मेरे उखाड़ने लगती हूँ मैं अपने लिप्स। बहुत से इसी तरह बहुत सी ऐसी जाने वाली मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी कजन्स हैं, जो इस तरह उनके भी साथ प्रॉब्लम चलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में कोई सोचा जाए, कुछ रिसर्च की जाए, क्योंकि बहुत से बाम वगैरह और बहुत से मतलब और चीज़ें जो हम मार्केट से हमें मिलती हैं वो हमें ट्राई कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे हाथ यहीं पे होते थे सर्दियों में। तो जब तक अम्मा की जूती या बहन का जूता नहीं आता था तो तब तक मैं नहीं छोड़ती थी। और मुझे यकीन है कि आप लोगों के साथ भी, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होता होगा। तो ओवरऑल बात यह है कि सर्दियाँ आते ही स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है और स्किन के साथ साथ हमारे लिप्स का भी हो जाता है। तो मैंने फिर इसके बारे में थोड़ा टटोलना शुरू किया। मैंने टटोलना। तो जी मैम क्लासेस लूँगी आपसे, उर्दू की मैम को समझ आ गई। तो फिर इस वजह से और मैंने कहा क्यों ना कुछ इसके बारे में टटोला जाए। तो टटोलने के बाद मैं फिर बहुत सी चीज़ों को पता चला तो मैंने फिर उसके लिए बना लिया। तो मैं चार पाँच दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अभी भी मैंने यही लगाया हुआ है और ये चार पाँच से इस्तेमाल यही है कि मैं लगा के इसको इतना कर दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए और आपकी भी मदद हो जाएगी। तो चलें, अब बातें तो बहुत सारी हो गई है, तो पहले आप देख लें कि मैंने उसको बनाया कैसा है और किस तरह बनाना है, फिर उसके बाद में आपकी तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है जी बीट रूट चुकंदर, और हमें चाहिए होगा ये थोड़ा सा छोटू सा, अब ले लें, मुझे यही साइज़ मिला था तो मैंने यही ले लिया। और अब हम इसको पील ऑफ करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका रस किस तरह निकाल सकते हैं दो तरीक़ों से। फर्स्ट वन, आपके पास इस तरह का होगा, आप इसको क्रश करके तो इसको निचोड़ लें। और इसको चाहिए हमें थोड़ा ऐसे होता है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर नहीं तो। अगर इसके अलावा आपके पास मशीन है निकालने के लिए तो इसका जूस आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये वैसे इजी मेथड है, लेकिन दोनों तरफ से हमने थोड़ा सा ही लेना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता, तो इतना कोई बड़ा साइंस नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये सब हैं। और बीटरूट का जूस मैंने निकाल के रख दिया है और ये कुछ ज़्यादा ही निकला है तो मैंने रख लिया। तो अब ये देख लें कि क्या क्या चाहिए। ये बीटरूट जूस है जी और वैसलीन है। इसकी जगह आप बी वैक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है, मैं यही यूज़ करूँ तो मैंने यही इस्तेमाल करनी है। तो इसके बाद हमें चाहिए होंगे विटामिन ई के कैप्सूल और आलमंड ऑयल। इसके अलावा अगर आपने कोई और ऑयल यूज़ करना है तो कर सकते हैं, और इस तरह के खाली छोटी छोटी बॉटल्स जार्स जो भी आप इसको कह सकते हैं वो ले सकते हैं आप। और चम्मच और एक अदद छोटू सा बोल चाहिए। तो चलें, वन स्पून मैंने बीटरूट और जूस यूज़ किया है और इसके बाद मैंने थोड़ी सी बीच में डालनी है जी वैसलीन, और दो डालने हैं जी मैंने, ये वैसलीन जा रही है। और इसकी जगह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप बी वैक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाली बेस्ट है। और वन टीस्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यूज़ किया टू कैप्सूल विटामिन ई के, और इसके बाद हमने इनको अच्छे से फेंटना है, इसकी फेंटी लगानी है। जी वो ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन कोई नहीं, अब ज़रा फेंट के आते हैं। और ये है जी रेडी हमारा लिप बॉम, और ये बहुत अच्छा है। बीटरूट वैसे भी बहुत अच्छा होता है, उसका जूस भी बहुत अच्छा होता है और लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। ऑलमंड ऑयल भी अच्छा होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए कैसे बनाना है और किस तरह सही उसको बनाना है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो प्लीज़ उसको ना
नोट करके इसको बना लीजिए और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। आपको एक दफ़ा लगाने के बाद दोबारा 2-3-4 घंटों के लिए आपको लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, और अगर आप नाइट को इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट 100% है, ये मेरी गारंटी है जी। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।